लिए टिक्की बना रही हूँ, जो वेजिटेबल का और आलू का जो टिक्की बनता है वो बनाने वाली हूँ मैं। सबसे पहले वो बना के तैयार करती हूँ, चलिए देखते हैं कैसे बनता है टिक्की। बटर डाल दी मैंने 1 चम्मच। अब मैं सारी ग्रीन वेजिटेबल डालूंगी, देखो। सबसे पहले तो लहसुन, उसके बाद अदरक, थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च काट ली थी बटर में पकाने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है उभर के, और अच्छा भी लगता है लहसुन अदरक पका हुआ है बटर में। और ये शिमला मिर्च है, ये गाजर है, इसको थोड़ा फ्राई करना है थोड़ा सा, क्योंकि ये ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सभी वेजिटेबल हैं जो कच्चा भी खा सकते हैं। ये उबला हुआ स्वीट कॉर्न है, मैं इसको उबाल के स्टोर कर ली हूँ फ्रीजर में, जब भी जरूरत होती है मुझे तो मैं उसे निकाल के और बना लेती हूँ। ये थोड़ा सा चिली फ्लेक्स है, रेड चिली फ्लेक्स और काली मिर्च है, ये डाल दी। ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर कलर के लिए, अगर ज़्यादा तीखा खाते हो तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हो आप, मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ लाल मिर्च पाउडर। ये देखिए थोड़ा ही डाली हूँ क्योंकि हरी मिर्च मैंने डाला था। अब मैं ये आलू मिला लूँगी इसमें, आलू है, मैं 3 आलू लूँ, तीनों को मीडियम साइज का 3 आलू का नमक डाल देती हूँ, हिसाब से नमक डाल दूँ और धनिया पत्ता। हमारा आलू टिक्की बनने के लिए तैयार हो गया है, और मैं इसको गैस बंद कर लेती हूँ और अपने हाथों से इसको बनाऊंगी। इसको बाइंडिंग के लिए ये ब्रेड क्रम्स हैं जो मैंने घर में बनाए हैं, और ब्रेड को रोस्ट कर लेते हैं तवे पे और इसको मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेते हैं, उसके बाद ये बन जाता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है घर में। ये देखिए 2 चम्मच में ब्रेड क्रम्स डालूंगी बाइंडिंग के लिए। मेरा आलू टिक्की बनने के लिए तैयार है, ये वेजिटेबल के साथ बना रही हूँ क्योंकि बच्चे खाएंगे तो बच्चों के लिए तो हेल्दी ही बनाना चाहिए, सिर्फ आलू आलू का नहीं बनाना चाहिए, बहुत सारी वेजिटेबल्स इसमें छुपा सकते हो आप, बच्चे खा लेंगे। कितने अच्छे से ये बन गए, उसका टिक्की बना। कॉर्नफ्लावर है, इसको घोल लेती हूँ, घोल लेना है इसको। टिक्की बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारा टिक्की फटने लगेगा, सही नहीं बनेगा।
कर रही हूँ। 21 सेकंड में मैं इसको देखिए टिक्की बना रही हूँ। ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, मोटा मोटा ही बनाना है। तो देखिए ये टिक्की मोटा है। इसको कॉर्नफ्लावर में डालना है ऐसे डिप करना है इसको। बहुत ही अच्छे से हो जा रहा है। उसके बाद ये हमारा ब्रेड क्रम्स है, इसको अच्छे से कोट कर देना है। थोड़ा सा बटर लेंगे, ये टिक्की को बना उसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हो और सेलो फ्राई भी कर सकते हो। तो मैं सेलो फ्राई कर दूंगी इसको। ये देखिए मैंने पलट लिया है इसको, दूसरा बना रही हूँ। ये देखिए मेरा ये टिक्की ये बनके तैयार हो गया है। एक इसको अब मैं निकाल लूँ। देखिए और दूसरा भी अब तैयार होने वाला है। अब मैं थोड़ा सा प्याज को भी इसमें बटर में निकाल कर करेंगे ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। प्याज भी हो गया। अब मुझे बन को सेकना है। देखिए मैंने काट लिया है बन को और इस तरह से ऐसे सेकना है। देखिए हमारा ब्रेड भी सीख गया, बन भी सीख गया, कितना अच्छा कलर आया इसमें। अब मैं इसको असेंबल करके दिखाती हूँ। देखिए मैं असेंबल कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं मेयोनीज लगाऊंगी इसके ऊपर। इसके ऊपर थोड़ा सा मसाले डाल देती हूँ, थोड़ा नमक। उसके बाद लेटस, उसके बाद टमाटो, थोड़ा मसाला, नमक, मेरे पास खीरा भी है, खीरा भी डाल देती हूँ। थोड़ा और नमक, थोड़ा काली मिर्च और रेड चिली फ्लेक्स, हाँ ये डालती हूँ। उसके बाद प्याज, फिर थोड़ा सा मेयोनीज इसके ऊपर, चीज स्लाइस है, ये हमारा बर्गर रेडी हो गया। बस अब थोड़ा सा इसको मैं सेक लेती हूँ
माइक्रोवेव में, ताकि ये चीज़ मैंने डाला है थोड़ा पिघलने लगे तो और भी अच्छा फ्लेवर आ जाएंगे इसमें। तो ये मैंने माइक्रोवेव ऑन कर लिया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए मेरा बर्गर रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये दिख रहा है और बहुत टेस्टी भी बना है।